हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अब्दुल। आप देख रहे हैं मलिक टेक। इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आपको HDFC क्रेडिट कार्ड को रजिस्टर्ड करना है। इससे पहले वीडियो मैंने बताया था कि कैसे आपको क्रेडिट कार्ड का पिन सेट करना है। क्रेडिट कार्ड का पिन सेट करने का दो प्रोसेस है, ऑफलाइन भी ATM में जाकर सेट कर सकते हैं। मैंने दो वीडियो बनाए थे कैसे आपको इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कैसे आपको क्रेडिट कार्ड का पिन सेट करना है। तो कैसे आपको इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पिन सेट करना है, तो ये वीडियो जाकर जरूर देख ले अगर आपने नहीं देखा है। तो इस वीडियो में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे, दो तीन लोगों के क्वेश्चन थे कि उनका कार्ड रजिस्टर्ड नहीं है तो पिन कैसे सेट होगा, क्योंकि कार्ड के पिन सेटिंग के टाइम वहां पर कार्ड आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो कार्ड सिलेक्ट में वहां पर बहुत लोगों का कार्ड जिसका रजिस्टर्ड नहीं है तो कार्ड नहीं शो कर रहा है। इसका क्वेश्चन था एक जॉनसन जी का, एक मोहम्मद निशार का था कि उनका कार्ड रजिस्टर्ड नहीं तो कार्ड रजिस्टर्ड कैसे करना है। तो उसी से रिलेटेड मैं वीडियोस बना रहा हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका भी कोई सवाल और क्वेश्चन और क्वेरीज है बैंक से रिलेटेड, तो आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो इस वीडियो में जानेंगे कैसे आपको HDFC क्रेडिट कार्ड को रजिस्टर्ड करना है। HDFC क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भी करना आपको होगा, तो उसमें भी आपको कार्ड रजिस्टर्ड करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों का कार्ड रजिस्टर्ड नहीं होता तो पेमेंट ऑप्शन भी शो नहीं करता है, कार्ड ब्लैंक दिखाता है। तो वहां पर पेमेंट में भी आप कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड का ऑनलाइन, तो वहां पर कार्ड आपको रजिस्टर्ड करना पड़ता है। तो इस वीडियो में इससे रिलेटेड बात करेंगे कैसे आपको HDFC क्रेडिट कार्ड को रजिस्टर्ड करना। आपके पास क्रेडिट कार्ड का पुराना पिन भी याद नहीं है तब भी आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। सेम प्रोसेस आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट करते हैं तो सेम प्रोसेस ये होता है, सेम प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। अगर कार्ड आपका रजिस्टर्ड नहीं, इसी तरह से आप कार्ड रजिस्टर्ड कर सकते हैं पेमेंट ऑप्शन में भी। इससे पहले वीडियो मैंने बनाया था कि कैसे आपको क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है, तो उसमें भी बहुत लोगों का प्रॉब्लम था कि कार्ड रजिस्टर्ड नहीं तो पेमेंट ऑप्शन नहीं खुल रहा था। तो सेम प्रोसेस आप ये कर सकते हैं, तो ये वीडियो जरूर देखें लास्ट तक। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, देखते हैं कैसे आपको कार्ड रजिस्टर्ड करना है। तो यहाँ पर आपको HDFC का ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेना है, HDFC.com। यहाँ पर आपको कस्टमर आईडी डालना होगा। कस्टमर आईडी आपको नहीं पता है तो आपको बैंक पासबुक, बैंक चेकबुक या बैंक स्टेटमेंट का मिल जाएगा, वहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। उसके बाद फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको इंटरनेट बैंकिंग का पिन डालना होगा। इंटरनेट बैंकिंग का पिन आप भूल गए तो आपसे फॉरगेट भी कर सकते हैं। फिलअप करने के बाद सिंपली यहाँ पर सिर्फ कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिख जाएगा। यहाँ पर ऊपर अकाउंट सेक्शन, फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट्स एंड रिचार्ज, कार्ड डीमैट्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और लोन सेक्शन होगा ऊपर। तो आपको कार्ड रजिस्टर्ड करना है तो कार्ड वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे जो चौथे नंबर पर आपको दिख रहा है। कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आपको लेफ्ट साइड में दिखने लगेंगे, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। तो जैसे पहले हम लोग क्रेडिट कार्ड का पिन सेट करते थे उसमें रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते थे, इसी तरह से इसमें भी रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंस्टेंट पिन जनरेशन और रजिस्टर्ड न्यू कार्ड का ऑप्शन होगा। जैसे आप लोग इंस्टेंट पिन जनरेशन पर क्लिक करते होंगे तो कार्ड शो नहीं करता होगा, जैसे देख रहे हैं यहाँ पर पिन जनरेशन पर क्लिक किया, यहाँ पर मेरा कार्ड ऐड नहीं, तो कार्ड ऐड शो नहीं कर रहा है। तो इसके नीचे आप ऑप्शन देख रहे होंगे रजिस्टर्ड न्यू कार्ड, तो रजिस्टर्ड न्यू कार्ड पर क्लिक करेंगे हम। यहाँ पर आपको पूरे कार्ड का डिटेल भरना होगा, क्रेडिट कार्ड जो आपका है HDFC का यहाँ पर फिलअप करना है, एक्सपायरी डेट फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, रजिस्टर्ड फिर डेट ऑफ बर्थ आपको याद है तो उससे फिलअप कर सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड का पुराना पिन आपको याद है तो वो यहाँ से करके ऐड कर सकते हैं। तो बहुत लोगों को क्रेडिट कार्ड का पिन बिल्कुल याद नहीं है, पुराना भी नहीं याद है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया कि डेट ऑफ बर्थ करके फॉरगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कार्ड डिटेल और डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद सिंपली यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर कार्ड डिटेल फिलअप करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ वेरिफिकेशन का प्रोसेस आएगा, यहाँ पर कार्ड नंबर लिखाएगा, एक्सपायरी डेट लिखाएगा, डेट ऑफ बर्थ लिखाएगा, आपको इसे कन्फर्म कर लेना है। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उसको आपको वेरीफाई कर लेना है। OTP वेरीफ करने के बाद यहाँ पर सिर्फ कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर कार्ड आपका सक्सेसफुली एक्टिव हो चुका है, यानी कि ऐड हो चुका है। अब चाहे तो आप इसका पिन जनरेट कर सकते हैं और बिल पेमेंट भी करना हो तो बिल पेमेंट भी कर सकते हैं इस कार्ड का। आपके पास दो या तीन कार्ड है उसको भी आप ऐड कर सकते हैं, उसी तरह से पिन जनरेट कर सकते हैं और बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो बस यहीं पर एंड करते हैं। इस वीडियो में आपने सीखा है कैसे आपको HDFC क्रेडिट कार्ड का कार्ड रजिस्टर्ड करना है। तो बहुत ही आसान प्रोसेस था कार्ड रजिस्टर्ड करने का। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी। मेरे चैनल पे आपको और भी बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल और क्वेश्चन और क्वेरीज है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। बैंक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आपने HDFC का न्यू मोबाइल बैंकिंग ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, इसमें मैंने पहले वीडियो बना रखा था कैसे आपको HDFC का न्यू मोबाइल बैंकिंग ऐप यूज करना है, कैसे पेमेंट करना है, इसमें मैंने पहले वीडियो बना रखा। अगर वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देख ले। अगर आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेंज करना है या भूल गए या आपका मोबाइल नंबर खो गया तो कैसे आपको न्यू मोबाइल नंबर जनरेट करना है या अपडेट करना है, इस पर मैंने वीडियोस बना रखे हैं, तो ये वीडियो जाकर जरूर देख ले कैसे आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेंज या अपडेट करना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।